स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, हम लोग हिंदी में स्वर पढ़ रहे हैं, है ना। हम लोगों ने स्वर में अ से लेके ओ तक के स्वर पढ़ लिए। अभी आज आगे का स्वर पढ़ेंगे, जिसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ना। आपको दिख रहा है, मैंने एक लेटर यहाँ पे लिखा है और उससे बनने वाले शब्द और पिक्चर्स यहाँ पे लिखे हैं। ये कौन सा शब्द है, इसको क्या बोलेंगे, वो आपको समझने के लिए यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने अब तक अ से शुरू करके ओ तक के लेटर्स पढ़ लिए, तो अभी आज हम ओ के बाद जो लेटर आता है वो यहाँ पे देखेंगे और सीखेंगे। तो ये है ओ के बाद आने वाला औ। क्या बोलेंगे इसको, औ। एक बार फिर मेरे साथ बोलो सब, औ। क्या कहेंगे इसको, औ। कौन सा अक्षर है ये, औ। आज हम सीखने वाले हैं औ, है ना। औ से औषध। ये जो पिक्चर ड्रॉ किया है उसका फर्स्ट लेटर कौन सा है, औ। औ से औषध, औ से औषध। फिर एक बार औ से औषध, उसी तरह दूसरा भी मैंने ड्रॉ किया हुआ है, औ से औजार, औ से औजार, औ से औजार, है ना। तो ये है औ। कौन सा लेटर है ये, औ। औ से औषध, औ से औषध, औषध मतलब दवाई, औ से औजार, औ से औजार, औ से औरत, औ से औरत, औरत मतलब लेडी, ठीक है। फिर औ से औलाद, औलाद मतलब बच्चे, है ना। तो उसमें सारे जो वर्ड है वो औ से शुरू होते हैं। तो अभी हम औ की मात्रा कैसे लिखेंगे या औ कैसे लिखेंगे वो सीखेंगे। तो जैसे हमने अ लिखा था वैसे ही सिंपल वाला अ है, और पीछे एक स्टैंडिंग लाइन बनाया, ऊपर स्लिपिंग बना के स्लैंटेड और दूसरा स्लिपिंग बना के स्लैंटेड, ठीक है। तो ये बन जाएगा औ। इसको कैसे लिखना है, तो हम पहले इसको वर्कबुक में लिखेंगे। तो अभी हम लोग औ की मात्रा कैसे लिखनी है वो सीखेंगे। तो उसके लिए पहले हम अपनी वर्कबुक लेंगे और वर्कबुक में लिखना सीखेंगे और उसके बाद नोटबुक में लिखेंगे। तो पहले आज हम वर्कबुक में कैसे लिखना है औ की मात्रा वो सीखेंगे। तो आप लोग अपनी वर्कबुक निकाल लो, हिंदी की वर्कबुक निकालने के बाद पेज नंबर 103 ओपन करोगे, जहां पे हमारा लेटर लिखा हुआ है औ। आपको दिख रहा है अपनी किताब में औ, तो अभी आप अपनी बुक में भी देख सकते हो औ लिखा है, औ से औरत, औ से औरत, औ से औरत। उसी तरह सामने वाले पेज पे लिखा है औ से औजार, औ से औजार। तो आप लोगों को अपनी वर्कबुक में ऐसे ही लाइन बना लेनी है और फिर जो डॉट दिए हैं उसके ऊपर लिखते जाना है, तो आसानी से आपको लिखना आ जाएगा। तो पहले डॉट के ऊपर लिखेंगे, फिर उसके बाद जो खाली स्पेस है उसको भी हम लिखेंगे अपने आप। तो अपने आप कैसे लिखना है तो मैं सिखाती हूँ, जरा ध्यान से। हम यहाँ पे तीन लाइन में लिखेंगे, ठीक है। तो पहले देखो ध्यान से और फिर अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। तो शुरू करते हैं लिखना औ से औरत। आपके पास वर्कबुक में 5 लाइन बनी है,
तो हम लोग तीन लाइन में ही लिखने वाले हैं। तो पहली ब्लू लाइन से शुरू करके मिडल लाइन तक कर्व बनाया, फिर मिडल लाइन से थर्ड लाइन तक कर्व बनाया, बीच में स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ये सिंपल अ बन गया, इतना तो आना ही चाहिए। इसके बाद पीछे एक स्टैंडिंग लाइन बना दी, ऊपर स्लिपिंग लाइन, फिर रेड वाली लाइन है उधर छोटा सा स्लिपिंग बना के स्लैंटेड, फिर से एक बार वही स्लिपिंग बना के स्लैंटेड, बन गया औ, औ से औरत। एक बार फिर देखो, कर्व बनाया, दूसरा कर्व बनाया, स्लिपिंग लाइन बनाई, स्टैंडिंग बनाया, पीछे एक और स्टैंडिंग, ऊपर सीरो रेखा मतलब स्लिपिंग लाइन, रेड लाइन के पास से स्लिपिंग बना के स्लैंटेड, दूसरा स्लिपिंग छोटा बना के स्लैंटेड, बन गया औ, औ से औरत। ऐसे ही एक कर्व, फिर दूसरा कर्व, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, एक और स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, ऊपर रेड लाइन के पास स्लिपिंग बना के स्लैंटेड, दूसरा स्लिपिंग बना के स्लैंटेड, बन गया औ, औ से औरत। ऐसे ही आगे आगे लिखते जाएंगे, एक कर्व फिर दूसरा कर्व, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग बना के उसके ऊपर स्लिपिंग बना के स्लैंटेड, स्लिपिंग बना के स्लैंटेड, बन गया औ, औ से औरत, औ से औलाद, औ से औजार। ऐसे ही एक कर्व फिर दूसरा कर्व, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, एक और स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, रेड लाइन के पास स्लिपिंग बना के स्लैंटेड, स्लिपिंग बना के स्लैंटेड, बन गया औ, औ से औजार। ऐसे ही नीचे नीचे लिखते जाएंगे, एक कर्व दूसरा कर्व, फिर स्लिपिंग, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग, स्लिपिंग, स्लिपिंग बना के स्लैंटेड, स्लिपिंग बना के स्लैंटेड, बन गया औ, औ से औजार। एक बार फिर देख लो, एक कर्व बनाया, फिर दूसरा कर्व बनाया, स्लिपिंग बना के स्टैंडिंग लाइन, दूसरा स्टैंडिंग लाइन, ऊपर सीरो रेखा मतलब स्लिपिंग लाइन, रेड लाइन के पास स्लिपिंग बना के स्लैंटेड, दूसरा स्लिपिंग बना के स्लैंटेड, बन गया औ। ऐसे ही नीचे नीचे लिखेंगे, एक कर्व फिर दूसरा कर्व, स्लिपिंग बनाया, स्टैंडिंग बनाई, दूसरी स्टैंडिंग बनाई, स्लिपिंग बना के रेड लाइन के पास जाएंगे, रेड के पास स्लिपिंग बना के स्लैंटेड, स्लिपिंग बना के स्लैंटेड। वेरी इजी, पर थोड़ा ध्यान से ऐसे ही बनाते जाएंगे, कर्व फिर स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, दूसरा स्टैंडिंग लाइन, ऊपर एक स्लिपिंग लाइन, स्लिपिंग बना के स्लैंटेड, स्लिपिंग बना के स्लैंटेड, है ना इजी। ऊपर एक स्लिपिंग लाइन, स्लिपिंग बना के स्लैंटेड, स्लिपिंग बना के स्लैंटेड, है ना इजी। ये बन गया औ, औ से औजार, औ से औलाद, औ से औषध। तो आज हम क्या सीखे, औ, औ से औरत, औ से औरत, औ से औषध, औ से औषध, औ से औजार, औ से औजार। आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे ही लिख देना है और बोल बोल के लिखना है, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए कि हम कौन सा लेटर लिख रहे हैं। तो आप लोग अपनी वर्कबुक में पेज नंबर 103 ओपन करके पूरा पेज लिख लोगे और बोल बोल के लिखोगे। क्या सीखा हमने, औ, क्या सीखा, औ। ठीक है, हम फिर मिलेंगे।